बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए आज मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर कैसे होने वाला है। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है अपना फ्यूचर देखने के लिए। और एक बात याद रखनी है कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपने इसमें जो मैसेज भी आएंगे उनको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। जो भी आएगा मैं वो आपको बताऊंगी, शुगर कोटेड मैं यहाँ पे रीडिंग नहीं करूंगी, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि कुछ ऐसा निकले जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। एंड ये भी हो सकता है कि आपको उस चीज का अच्छे से पता हो लेकिन प्यार होने के कारण आप उस चीज को डिनाय करते हो। ठीक है, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे अभी से वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई हैं जब से मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपने? आपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, और जब मैं कैंडल लाइट करूंगी तो बार बार अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। आज हम पेपर पे करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और चेक करेंगे कि आपके जो प्यार का पास्ट क्या था, आपके रिलेशन का पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये प्रेडिक्शन हम आज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो निकाल लीजिए अपने पार्टनर की पिक्चर को, तो हम चेक करेंगे पहले पास्ट में क्या चल रहा था आपके रिलेशन में। ठीक है जी, ये हम पास्ट का पेपर ले लिया है मैंने, तो हम चेक करेंगे कि पास्ट में आपके रिलेशन की एनर्जी क्या थी। आई होप आपको क्लियर है। ओके, तो निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को, तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रीडिंग लंबी हो सकती है, तो आप अगर टैप टैप करोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपने पूरी रीडिंग को सुनना है बहुत ध्यान से, एनर्जीज को पिक करना है, थीथा पर भी आपने ध्यान नहीं देना है। तो चले अब हम बात करेंगे आपके पास्ट की। तो ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, ध्यान कीजिए उनका, ध्यान से देखिए इस फ्लेम को और अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, तो बताइए पास्ट में उनकी एनर्जी क्या थी इस रिलेशन को लेकर। पास्ट में इनके रिलेशन में क्या हुआ था, कैसा रहा इनका पास्ट इस रिलेशन में, इस रिलेशन का पास्ट कैसा रहा, प्लीज़ सही गाइड कीजिएगा। हे महादेव, हे शिव शक्ति, आर्कएंजल माइकल, मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं व्यूअर्स को सही गाइड कर सकूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत, ओह माय गॉड, पास्ट तो आपका सही नहीं था। पास्ट में आपको काफ़ी झूठ बोला गया है। पास्ट की एनर्जी कुछ इस तरह से आई है जो मुझे अभी तक फील हो रही है। यस, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं थे, जो मुझे इस तरह से फील हो रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ सही गाइड कीजिएगा, पास्ट कैसा रहा इनका। पास्ट की अगर बात करूं तो आपके पार्टनर को आपको लेकर काफ़ी ट्रस्ट इशू रहे हैं। इन्फिनिटी सिंबल बना है अगर आपको दिख रहा है। यस, काफ़ी ट्रस्ट इशू रहे हैं। इस व्यक्ति को आप पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। इन्होंने स्टार्टिंग में आपसे जो भी दोस्ती करी, इन्होंने इस रिलेशन को बहुत हल्के में लिया। इनके और भी रिलेशन थे उस टाइम पे, तो जैसे होता है ना कि चलो ये भी दोस्ती कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, इन्जॉय कर लेते हैं। आपने किसी भी चीज़ को लेके ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि मुझे बाद में मैसेज आते हैं कि दी हमने तो ये किया नहीं था, हमारा तो ये था नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके पार्टनर के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। यस, पास्ट में आपके पार्टनर को आपको लेकर काफ़ी ट्रस्ट इशू रहे हैं। बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है इस व्यक्ति ने इस रिलेशन में। आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत आना जाना किया है, अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे, सीरियस नहीं थे पास्ट में। स्टार्टिंग में ही आपको लेकर सीरियस नहीं थे। ओ माय गॉड, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे गणपति जी की
बनी है, आप पे गणपति जी की ब्लेसिंग रही है। आने वाले समय में इस रिलेशन का जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो ब्लेसिंग के साथ आने वाला है, जो मुझे यहाँ पे प्रडिक्शन पहले से हो रही है। यहाँ पे गणपति जी की आप देखो इमेज बनी है। आप गणपति जी के भक्त हो सकते हो, आप बप्पा को बहुत मानते होंगे जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके घर में बप्पा हो सकते हैं, गणपति जी की कोई इमेज पिक्चर हो सकती है, फोटो हो सकती है, या वो खुद आपने उनकी कोई मूर्ति रखी होगी। ओके, सीरियस नहीं थे इस रिलेशन में पास्ट में आपके पार्टनर। कई बार इन्होंने आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ से गए हैं, अपनी मर्जी से इस रिलेशन को चलाया है। काफी बॉसी नेचर रही है, काफी ईगो हो सकती है आपके पार्टनर में, काफी ईगो हो सकती है आपके पार्टनर में। कई बार इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी है स्टार्टिंग में ही, जैसे कि 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुए, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता था, एकदम से ये आपकी लाइफ से चले जाते थे, आपको गोस्ट करते थे या आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बार इन्होंने ट्राई करा है मूव ऑन करने का, जोड़ में जाते थे आपको छोड़कर, एकदम से देखी एनर्जी इनकी, चीटिंग कर, ओ माय गॉड, चीटिंग करी है स्टार्टिंग में इन्होंने आपके साथ, चीटिंग गई है। ये आपको लेकर फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थे, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते थे ये आपके साथ स्टार्टिंग में ही, बहुत पैशनेट थे आपकी ब्यूटी को लेकर, ये काफ़ी अट्रैक्शन फील करते थे, बहुत अट्रैक्शन मुझे आपकी तरफ इनका नज़र आ रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव थे ये आपको लेकर। ये बहुत चौड़ में आपको छोड़ के जाते थे और उतनी ही जल्दी ये वापस आ जाते थे, काफ़ी ऑन ऑफ किया है पास्ट में इनकी एनर्जी में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक कदम आगे बढ़ाते थे फिर 10 कदम पीछे आते थे, क्यों? क्योंकि आपका अट्रैक्शन इनको वापस लेके आता था। फिजिकली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये फिजिकली इन्वॉल्वमेंट चाहते थे आपके साथ। हो सकता है कि इन्होंने कई बार आपको बोला भी हो कि हम अकेले में मिलते हैं, किसी होटल में मिलते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे सीन दिखाई दे रहा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, जब भी आपसे मूव ऑन करते थे तो ये आपको चेज करना स्टार्ट कर देते थे एकदम से, ये आपको स्टॉप करते थे कि देखूं अगर मैं जाता हूं तो ये इसका क्या रिएक्शन होता है। यस, ये पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका, तो इसमें ये चीज़ें होनी स्वाभाविक है। यस, पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, इस रिलेशन में आपको बहुत दर्द दिया है। पहले पहले इन्होंने आपको अप्रोच करने के लिए पूरी दिलो जान से पूरा जोर लगा दिया है आपको पाने के लिए, जब आप इनकी लाइफ में आ गए हो तो इन्होंने एकदम से, ये जो कैंडल है ना ये भी ऑन ऑफ ही कर रही है, तो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से चले जाते थे, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव थे, आपकी ब्यूटी को लेकर इन्वॉल्व होना चाहते थे, इंटीमेसी ये चाहते थे, सेक्सुअली फिजिकली ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे आपको लेकर। आपसे प्यार था, लव नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग के डेज में मुझे लस्ट भी दिख रही है। प्यार तो करते थे ये आपसे, लेकिन ये क्या करते थे, जब ये आपसे मिलना स्टार्ट हुए, आपसे बातें करनी स्टार्ट हुई, तो आप इनसे पूछते थे कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अपना पासवर्ड दे दो, कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है। तो ये इन बातों से ना चिढ़ जाते थे। पहले पहले इनको बहुत अच्छा लगा आपका पैम्पर करना, आपका केयर करना, आपके इनके पीछे पीछे आना, चेज करना, इनको पहले पहल बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना ये इन्हीं चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होने लगे। इनको चिढ़ मच जाती थी जब आप इनसे पूछते थे कहाँ थे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, चाहे ये मेल थे चाहे ये फीमेल है। ठीक है, एनर्जी आपने पिक करनी है। प्यार तो था लेकिन ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे स्टार्टिंग डेज में। हमेशा से इनको आप पे ट्रस्ट इशू रहा है, थर्ड पार्टी भी रही है इस रिलेशन में। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अनकंडीशनल लव इनको इरिटेट करता था। यस,
बहुत जल्दी इरीटेट हो जाते थे। मे भी हो सकता है कि जब आप इनसे पूछते हों तो ये एकदम आपसे आप पे भड़क जाते हों, क्या है यार मैं मतलब किसी से बात नहीं कर सकता हूँ या किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, ये क्या है तुम तो मुझसे बार बार क्यों पूछते हो या क्यों पूछती हो, ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर ये क्या करते थे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, आप पूछते रहते थे, आपको आंसर नहीं आता था, एकदम से आपको गोस्ट कर देते थे, आपसे बात करना बंद कर देते थे, आपसे एकदम से कुछ ऐसी बात को लेकर झगड़ा कर लेते थे कि 4 दिन शांति रहे ये मेरे साथ बात नहीं करे। पैशनेट बहुत है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ये आपको छूना चाहते थे स्टार्टिंग में ही, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था ना तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड हो गए थे। मैस्मराइज्ड मतलब ये एकदम इतने अट्रैक्टेड हो गए थे कि इनका मन था कि ये पहली बार में ही चाहे आपको किस कर लेते, ये इतना अट्रैक्शन इन्होंने जब आपको पहली नज़र में देखा तो इनका एकदम से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ। और ये चीज़ें आपने भी कहीं ना कहीं फील की हैं कि यस ये मुझे पागलपन की हद तक जाता है, ये आपके आपका माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करता था कि हाँ ये मुझे प्यार करता है, पागलपन की हद तक ये मुझे चाहता है, लेकिन अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनको चिपके रहना इनको बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का रहा होगा स्टार्टिंग में, जब ये आप में ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई या ये इशू आने स्टार्ट हुए तो हो सकता है कि ये इरीटेट होने लगे, बोर होने लगे, आपके क्वेश्चंस इनको इरीटेट करने लगे, तो ये क्या करते थे आपको गोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप इनको अनकंडीशनल प्यार करते रहे, आपने इनकी हर बात को नज़रअंदाज किया, प्यार तो था इनके दिल में लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे, डिनाई करते रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि नहीं 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 इतना प्यार मैं और इससे नहीं 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 मैं इतना सीरियस कभी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ये डिनाई करते रहे कि नहीं मुझे मैं किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता, मैं इतना इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, मेरी ये पर्सनालिटी है ही नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने, आपने स्टार्टिंग में ही आप इनके प्यार में पड़ गए थे, आप इनके लिए सीरियस थे, आप इस रिलेशन में स्टार्टिंग से ही यूनियन चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे, ये सीरियस नहीं थे, इनको ना ट्रस्ट इशू बहुत थे आप पे डाउट बहुत करते थे, आपका मे भी इस तरह से हो सकता है कि आपकी हर चीज़ का पासवर्ड लेते थे, तुम ऑनलाइन क्यों हो, किससे बात करी हो, क्यों करी हो, खुद पूछते थे तो वो इनको अच्छा लगता था, आप पूछते थे तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने बहुत ऑन ऑफ किया है इस रिलेशन में, अपनी मर्जी चलाई है, अपनी मर्जी से आना अपनी मर्जी से जाना इस रिलेशन में इन्होंने इस तरह से करा है। चलें अब चेक करते हैं प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट क्या है, पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ इस तरह का बिहेव किया है, अब करते हैं तो इन्होंने क्या करा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बिना बताए ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी लाइफ से चले गए और एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई, आपको समझ ही नहीं आया कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों आई है, क्या कारण है, ऐसा क्या कर दिया मैंने, इसने बातचीत क्यों बंद कर दी, ये मेरे मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करता है, मैं इसको पूछती हूँ ये मुझे आंसर क्यों नहीं करता है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हैं और कुछ व्यूवर्स अनब्लॉक हैं, लेकिन यहाँ मुझे आप दोनों की बातचीत टोटली बंद दिखाई दे रही है अभी इस समय में। चलिए प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की क्या है। ओके देखिए फ्लेम को अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले इस रीडिंग के जरिए। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, जिनके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखने वाले हैं, तो बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, इस समय वो मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, इनके दिल और दिमाग में, मेरे व्यूवर्स को लेकर ये क्या आगे करने वाले हैं या इस समय ये क्या फील कर रहे हैं जबकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं।
काफ़ी स्लो पढ़ गए हैं, देखा कोई ड्रॉप नहीं गिरा है। इस समय की एनर्जी आपके पार्टनर की इस तरह से दिखाई दे रही है कि इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हैं, बहुत मिस कर रहे हैं हर्मिट की। ओ माय गॉड, ये आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी निकल के आई है आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी मैं आपको बताती हूँ जैसे हमेशा कि कोई भी हो सकता है। आपने देखना है एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी। थर्ड पार्टी निकल के आई है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर इस समय आपको कोल्ड बिहेवियर देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ये आपके लिए तड़प रहे हैं, बहुत अकेले हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। पास्ट में भी आपको लेकर जो इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया, और प्रेजेंट में ये आपको यही जता रहे हैं कि मुझे आज भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे आजकल। बहुत कोल्ड बिहेवियर प्रेजेंट में आप देख रहे हो, आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो काफ़ी लंबे अरसे से। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को 3 से 4 साल हो गए हैं अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट करते हुए। बहुत सी टैरो रीडिंग्स भी आप देख रहे हो, मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स ने टैरो रीडिंग्स भी ली हैं, इनको पता चल गया है कि ये किसी जर्नी का हिस्सा है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी दिखाई दे रही है। यस, मोस्टली मुझे यहाँ पे व्यूवर्स हैं जो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये जता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, ओके गुड बाय। ये आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये मैसेज सुनाई दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंशन नहीं लो, पहले सुन लो, टेंशन नहीं लो, घबराना नहीं है कि उसने मुझे गुड बाय कर दिया। नहीं, ये रिश्ता ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी फिर से ऑन ऑफ सिचुएशन, आप खुद देखो कैंडल खुद क्या रिएक्ट कर रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन है और कैंडल की फ्लेम को देखो, आपके पार्टनर आज भी आपसे उतना ही अट्रैक्टेड हैं जितना कि ये स्टार्टिंग में थे। बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, ये आपको दिखा कुछ रहे हैं लेकिन अंदर से फील कुछ कर रहे हैं। दो चेहरे मुझे इनके नज़र आ रहे हैं, एक चेहरा वो जो ये आपको दिखा रहे हैं हंसता हुआ, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाल रहे हैं एंड घूम फिर रहे हैं, और पार्टीज आपको नज़र आ रही हैं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार आप उतना ही पेन में हो जब इनको आप देखते हो हंसते हुए इंजॉय करते हुए। आपको ये फीलिंग आती है कि यार मैं यहाँ तड़प रही हूँ और इसको मेरी कोई चिंता नहीं है, क्या ये मुझसे प्यार करता था। यहाँ एक कपल की एनर्जी आई है, आप देखो। आपके पार्टनर काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हो उनके अंदर काफ़ी ईगो हो सकती है, बट इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ये आपको स्टॉक करते हैं, जान पूछ कर आपके लिए ऐसी पिक्चर्स डाल रहे हैं कि आप ट्रिगर हो और इनकी तरफ भागो। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप थोड़े से अभी स्टेबल हुए हो, आपने अपनी एनर्जी इनसे ले ली है, अब आप इनको चेज नहीं करते हो, स्टोरी नहीं डालते हो, डीपी पे कुछ ऐसा नहीं लगाते हो जिससे इनकी ईगो बूस्ट हो। यही चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही हैं आज की एनर्जी में। अगर मैं आपको बताऊं आज की एनर्जी में, प्रेजेंट में ये आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, ये आपके इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मुझे मिस नहीं कर रही है क्या, क्या ये आगे बढ़ गई है, क्या ये इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या ये अब मुझे याद नहीं करता है, इसको मेरी याद नहीं आती है, इस तरह से ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। आपकी चेजिंग एनर्जी को आपके पार्टनर इस समय प्रेजेंट में बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत स्टॉक कर रहे हैं, किसी फेक आईडी से आपको अप्रोच की है इन्होंने। अंदर से इनको एक डर भी है क्योंकि ये आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं, आपका बिहेवियर इनको बदला बदला नज़र आ रहा है, तो इनके अंदर एक डर भी नज़र आ रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। इस चीज़ का डर भी यहाँ मुझे प्रेजेंट की सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे इस तरह से भी नज़र आ रहा है कि ये बीच बीच में आपकी लाइफ में वापस
और माय गॉड, आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानो। क्लेम करो इस एनर्जी को, क्योंकि आपको सच पता चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर। क्लेम नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे इस वीडियो को, इस रीडिंग को। यस, आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं, ये आपको देखने के लिए मरे जा रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स को ब्लैंक कॉल्स भी आई होंगी इन दिनों, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है ये। ये पता क्या करते हैं, जैसे ही आप मूव ऑन होने का सोचते हो, ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आपकी एनर्जी को लेते हैं और फिर से चले जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में भी यही हाल है इनका, लेकिन मुझे यहाँ पे डेथ की एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि इनके अंदर एक चेंज ला रही है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर। आपसे मूव ऑन होना चाह रहे हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन मत हो। ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन हो जाओ या आप इनको भूल जाओ। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनको भूल गए हो। ये चीज़ इनको बहुत ट्रिगर कर रही है। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनको पागल बना रहा है। बहुत बहुत टेंशन है इनके मन में। आपको दिखा रहे हैं ना, मे बी अगर आप अनब्लॉक हो, ठीक है, आप कहीं से इनको देख सकते हो, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आपको चेक करते हैं और देखते हैं कि आपने कौन सी स्टोरी डाली है। पैशनेट बहुत है, आज भी आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है। ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। आपकी कोई पिक्चर है इनके पास जिसको ये बार बार देखते हैं। बहुत अट्रैक्शन। आज भी अगर मैं बोलूं तो जो इनका लस्ट था ना, जो पहले मैंने आपको बोला कि 5 की एनर्जी में दिखाई दे रहा था, अब वो प्यार में बदल गया है। ये आपको प्यार करना चाहते हैं, अपनी बाहों में होल्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दी है। ये आपकी लाइफ में फिर से आते अभी भी अगर मैं बात करूं तो अभी भी ये व्यक्ति ऑन ऑफ कर रहा है आपकी लाइफ में। ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। यस, ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन हो जाओ। माइंड गेम्स खेलते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन मुझे आप दोनों का फील हो रहा है। इनके अंदर एक चेंज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले जैसे मैंने बोला था कि इनको आपको आपके लिए बहुत ट्रस्ट इशू रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, इनको आप पर ट्रस्ट बनता जा रहा है, क्योंकि ये आपकी वेट को देख रहे हैं। आप इनका वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इनको ये पता है। ये आपकी एनर्जी भी कैच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये आपको रात को बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये आपके आगे झुकना नहीं चाहते हैं। आपको इसलिए मिस कर रहे हैं कि आपने जो मैनिफेस्टेशन करी है, जो आप कनेक्ट कर पाए हो यूनिवर्स के साथ, अब एंजल्स आपके लिए काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रेजेंट की मैं आपको बता रही हूँ, तो इनको बार बार एंजल्स की तरफ से ट्रिगर किया जा रहा है। इनको आपका नाम दिख रहा है, आपकी वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज ये फील करते हैं, आपको अपने आसपास महसूस करते हैं। आपके बहुत सी ड्रीम इनको आ रहे हैं, ये प्रेजेंट की एनर्जी में बता रही हूँ। प्रेजेंट की एनर्जी में इनके साथ ये सब हो रहा है, ये सब कर रहे हैं यूनिवर्स और एंजल्स आप लोगों के लिए। तो ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। हाँ, अब ये आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप लोगों का ट्रस्ट डगमगा सा गया है। अब आप इस व्यक्ति पे, आपको समझ नहीं आ रही है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं ये आगे क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, इसकी मंशा क्या है, ये आगे क्या सोच रहा है। आप काफी कंफ्यूज फील कर रहे हो। आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे काफी अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन ऑब्सेशन वही है। ये अब यूनियन चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको ना रिजेक्शन का डर लग रहा है। इनको इस तरह से लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, तो जब ये
आप लोग, मतलब कि आप लोग जब इस इनके साथ करोगे तो ये कैसे फील करेंगे, कैसे अपने आप को हैंडल करेंगे, कैसे उस पेन को झेलेंगे जो पेन इन्होंने आपको दी है, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत डर भी दिख रहा है। ये नहीं चाहते कि आप इनको रिजेक्ट करो। मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये रात भर सोते नहीं हैं, डिप्रेशन एंड एनजाइटी को ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कभी पहले आप क्या करते थे। अब आप इनको एक कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो। मुझे इस तरह से लग रहा है अब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। आप जैसे कि आप जो बॉयज हैं वो किंग ऑफ कप्स ले लेना, आप बहुत इमोशनल थे। आप इनके लिए रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरे साथ बात कर लो, कॉल करो, मैसेज करो। आप इनके तरले निकालते थे। अब वही चीज़ ये फेस कर रहे हैं। अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, और आप लोग किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे साफ साफ यहाँ पे नजर आ रही है। सेक्सुअली इनकी डिजायर आपको लेकर बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आपकी चुप्पी ना इनको अंदर ही अंदर मार रही है। आपका एकदम से, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो ना तो आप एकदम साइलेंट हो जाओ एकदम। अगर ये आपको मैसेज करते हैं तो आपने एकदम से रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? 10-15 मिनट रुक के कर दो, ठीक है? ये आपके पार्टनर की प्रेजेंट की एनर्जी है। तो चलिए चेक करते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो कर लीजिए प्रेयर अपने लिए, तो चेक करेंगे कि फ्यूचर क्या लेके आ रहा है। ओके, चल फ्यूचर चेक करते हैं जी। फ्यूचर क्या दे रहा है? मैंने प्रेजेंट से ली है फायर, तो चेक करेंगे कि फ्यूचर हमें क्या बताता है। तो आपने क्या करना है, लेना है 3 बार अपने पार्टनर का नाम, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर को देखिए और बार बार उनका नाम दोहराइए। यूनिवर्स, इस समय मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, मेरे बहुत से व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो बताइएगा इस जर्नल रीडिंग में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में आई थी, तो प्लीज़ मैं आपको अभी भी इस वीडियो में, इस रीडिंग में हाजिर नाजिर जानकर आपको प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूवर्स को सही गाइड कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, मेरी हेल्प कीजिएगा और मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए सॉरी आती हुई नजर आ रही है। देखा आपने, ये आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत छुपे रुस्तम है, ये आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। इतना कोल्ड बिहेवियर मुझे आज की रीडिंग में मिल रहा है। कभी आपने देखा है, जितनी बार भी मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करी है तो इतनी बार कैंडल बंद हुई हो, तो आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, फ्यूचर में आपकी तरफ आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं एक सॉरी के साथ। काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे सेकंड चांस मांगेंगे। अब ये इस रिलेशन में एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो कितनी स्लो एनर्जी है, काफ़ी अकेले हो गए हैं। अब इनको समझ आ रही है आपकी वैल्यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उस थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनका काम, इनकी ईगो, इनकी नेचर, स्टबर्न नेचर, कास्ट, रिलीजन, कोई लव पार्टनर, या अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो इनके जो फैमिली है या स्पाउस है वो हो सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, मैं फिर से ये बोल रही हूँ। यस, ये थर्ड पार्टी के साथ अभी समय खुश नहीं है। अब इस रिलेशन में ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपको कॉल मैसेज मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं कि आपने कैसा फील किया होगा जब ये आपकी लाइफ से गए होंगे। देखा आपने, जो इन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन, ओ माय गॉड, बहुत पैशनेट है, पैशनेट एनर्जी, ओ माय गॉड,
बहुत हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं किसी भी तरह से अपनी एनर्जी कि आप इनके बारे में जानो कि ये आपके बिना कैसे फील कर रहे हैं, ये आपके बिना बहुत उदास हैं, बहुत अकेला पड़ गए हैं, किसी कोई भी इनके साथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना था आपके ऊपर, अब वो थर्ड पार्टी भी इनके साथ नहीं दिखाई दे रही है। आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सब यूनिवर्स की ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। पहले ये अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे, लेकिन आने वाले समय में ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ, कैसे उस तक जाऊँ, उससे बात कैसे करूँ। फ्यूचर में ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको कॉल मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप फ्लेम को देखो। ये चाहे आपको नहीं बता रहे हैं कि इनकी एनर्जी या ये आपके बिना क्या फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे साफ साफ इनकी तड़प यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कैंडल की फ्लेम को देखो, बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर। जो भी इस दूरी में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्होंने फील किया है, ये सब आपको बताना चाहते हैं। आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है, अब इनको समझ में आ रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट के लवर हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में हुआ था। कार्मिक जो आपके कुछ कर्मा बाकी हैं उनको क्लियर करना है आपने। ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हो, आप अपने किसी ट्विन के साथ डील करते हुए मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, इनकी एनर्जी इस समय पे ये है कि ये आपके लिए रो रहे हैं। यस, यकीन मुझे भी नहीं हो रहा, आपको नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। यस, आपकी पास्ट की बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे कि आपका इनके पीछे पीछे आना, स्टेटस डालना, स्टोरीज डालना, उन सब बातों को मिस कर रहे हैं। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं आपके इस बिहेवियर को लेकर। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, और इनके बिहेवियर के कारण आप कितना बदल गए हो, इस चीज़ को ये फील कर रहे हैं। फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और उसी अट्रैक्शन के कारण ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यार आपका, आपके लिए इनका, इनके दिल में है। ये देखो, ये हार्ट बना है, ये हार्ट बना है, ये हार्ट बना है, बहुत प्यार। यहाँ पे मुझे टू ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। आपका परेशान करना, बार बार इनको क्वेश्चन पूछना, अब ये उसको मिस कर रहे हैं कि अब ये बोलती क्यों नहीं है, अब ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करता है, ये चुप क्यों हो गया है, अब इसने इतनी चुप्पी क्यों साध ली है, ये कुछ डालती क्यों नहीं है, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता है। यहाँ पे ये देखो, इन्फिनिटी सिंबल बना है, ये एक ऐसा प्यार है ना खत्म होने वाला। यस, इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है, आपको जाने अनजाने ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये दिन रात अब सोच रहे हैं कि मुझे अब उसके पास वापस जाना है, तो मैं वापस कैसे जाऊं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये फ्यूचर में आपको अप्रोच करेंगे, और बहुत से एफर्ट्स मुझे आपकी तरफ करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। इस बारी ये आपको खुद अप्रोच करेंगे। यस, आई लव यू, ये मैसेज मुझे बार बार रिसीव हो रहा है। फ्यूचर में आप ये बार बार सुनने वाले हो, या आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए कुछ ऐसा कर देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे इनके बदले हुए रूप को देखकर, इनके अंदर एक इतना पॉजिटिव चेंज को देखकर। यहाँ मुझे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, सन कार्ड की एनर्जी दिख रही है। बहुत पॉजिटिव फ्यूचर आपका होने वाला है, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप समझ गए हो, कि आपको अपने पार्टनर को चेज नहीं करना है, आपको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, जो कि काफ़ी हद तक अट्रैक्ट हो चुके हैं। आपका अट्रैक्शन आगे और बढ़ने वाला है, अगर आप ऐसे ही अपने ऊपर काम करते हो।
ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ये ख़त्म होने वाला है, टेम्परेरी था, इस सेपरेशन का एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है। जो लोग एक साल से, जो मेरे व्यूवर्स एक साल से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने गोल्स के ऊपर फोकस हैं, ठीक है, आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्टॉक भी करते हो तो वो चलता है, लेकिन जो दिन भर अपने पार्टनर के लिए रोते हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, रोने वाले इमोजी डाल रहे हैं, तो उनके लिए यूनियन अभी भी दूर है। लेकिन जो व्यूअर्स अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनका यूनियन आने वाले समय में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल स्टार्टिंग में भी बना था और हमारी एंड में भी बना है, जो कि बता रहा है कि यस, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका अंत नहीं है, ये युगों युगों तक चलेगा, आप दोनों का साथ हमेशा के लिए हो जाएगा इस 3D वर्ल्ड में और 5D वर्ल्ड में। यस, आप दोनों का मिलन होने वाला है, जो मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आप फ्लेम देखो, हमने पास्ट में देखा तब भी फ्लेम बहुत हाई थी, प्रेजेंट में देखा तब भी फ्लेम बहुत हाई थी, और अब देख लो अब भी बहुत हाई है। तो इसका मतलब है आपके पार्टनर आपको लेकर इतना हद अट्रैक्शन फील करते हैं कि इनकी फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है। अब ये आपको खुद जब अप्रोच करेंगे, ये आपको बोलेंगे कि मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजो, मुझे बताओ तुम अब कैसी हो, कैसे लग रहे हो, मुझे देखना है तुम्हें, अपने सामने देखना है, मे बी ये आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं, क्योंकि आप भी अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, ये तभी मैनिफेस्ट होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हुए क्लेम करोगे और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करोगे, क्योंकि ये सब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, यूनिवर्स आपकी फेवर में काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर को आपका नाम दिखाई दे रहा है, आपके सपने आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, वही सेम अगर आपको भी आज भी अपने पार्टनर का नाम दिखाई देता है, सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, बहुत से एंजल नंबर दिख रहे हैं, फैदर्स दिख रहे हैं, रेनबोज दिख रहे हैं, क्लाउड्स में हार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको अपने पार्टनर का फ़ोन नंबर दिख रहा है, लास्ट के 3 नंबर या 2 नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, बर्थ ईयर दिख रहा है, उनके रिलेटिव कोई सॉन्ग जो उन्होंने आपको डेडिकेट किया था वो भी दिख रहा है, सुन रहे हो आप, या इस तरह से है कि आपको महसूस होता है कि आपके पार्टनर आपके आसपास हैं, तो यस डेफिनेटली ये रिश्ता अभी तक नहीं टूटा है, इस रिश्ते में, इस फ्यूचर में इस रिश्ते का यूनियन होना ही होना है। तो जल्दी से इस एनर्जी को आप क्लेम कर दीजिए, कैंडल जल रही है, आप विश कीजिए कि आपकी ये जो इस रीडिंग में आया है वो मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानकर आपको बहुत खुशी हुई होगी, ये एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी कि आपका फ्यूचर इस रिलेशन में कैसे होने वाला है, ठीक है। साथ ही इस बात को भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की ये कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो आपने इसको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, एंड चैनल पे पहली बार आए हो, कनेक्शन फील कर रहे हो, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, पास्ट प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है, तो फ्यूचर तो रेजोनेट होगा ही होगा। अगर पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी आपके साथ मैच हो गई है तो फ्यूचर भी यही निकलने वाला है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।